मेरे बीएससी के सभी विद्यार्थी, 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आपने 15 अगस्त के दिन आन बान शान की प्रतिज्ञा ली है, उसी क्रम में मैं समझता हूँ कि आप अपनी कर्म के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए भी आपने प्रतिज्ञा ली होगी। और उसी क्रम में आज के बाद जो वीडियो अपन ले रहे हैं, आज के लिए जो वीडियो अपन ले रहे हैं, उसमें अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद जो पढ़ना चाहते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और मेरा आपसे पुनः बार बार हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोज़ को कृपया अच्छी तरीके से, गंभीरता से, लगन से टेबल पर रखकर वीडियो को चलाकर नोट्स बनाएं, अपने क्लियर काम करें और उसी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो आज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया सभी ध्यान से सुने और देखें। आओ बच्चों, अपन देख रहे हैं कि बेलनाकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले आप ये चीज़ जानेंगे कि U1, U2, U3 जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रो जो त्रिज्या है, फाई जो कोण है, जेड जो लंबा दूरी है, यानी रो फाई जेड कोऑर्डिनेट्स के नाम से आज के बाद इनको जानेंगे। सबसे पहले आप इस बात को याद रखें। अब जैसे ही सिलेंड्रिकल आकृति बनाई है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड एक्सिस, ये इसमें दो तल बनाए हैं इसके, जैसे कि आपको पता है इन तलों को ऐसे बनाते हैं। अगर इनको एक्स वाई जेड एक्सिस पर कोई बिंदु पी लेंगे, पी कहाँ पर है, कोई बिंदु है सिलेंड्रिकल सरफेस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, रो फाई जेड से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये अपना जेड एक्सिस है। अब इसमें कोई कोऑर्डिनेट्स के बिंदु पी है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, रो फाई और जेड। रो इसकी त्रिज्या है, फाई ये वाला कोण है जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, और जेड क्या है, ये इसकी वर्टिकल बिंदु पी की इस तल से लंबवत दूरी, लंबवत जो डिस्टेंस है वो ये है। अब एक एक कर अपन निकालने जा रहे हैं। अब इस आप देखोगे इस रो का इस तरफ जो घटक होगा एक्स अक्ष की तरफ, वो क्या होगा, रो कॉस फाई। इस रो का इस तरफ घटक क्या होगा बताएंगे आप, रो साइन फाई। तो दो घटक, जेड क्या है इसका, जेड एक्सिस, यानी आप देख पा रहे हैं कि एक्स बराबर क्या हो गया, रो कॉस फाई, वाई बराबर क्या हो गया, रो साइन फाई, जेड बराबर क्या है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, बिगिनिंग है ये, क्लियर। एक्स इज इक्वल टू वॉट, रो कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू वॉट, रो साइन फाई, जेड इज इक्वल टू जेड। अब जो इसी सदिश जो आर है, दैट इज फंक्शन ऑफ रो फाई जेड, अगर इसको अपन इस फॉर्म में लिखें, आई एक्स जे वाई के जेड वाले फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स का मान क्या हो गया, आई कैब एक्स इज इक्वल टू वॉट, रो कॉस फाई, वाई के बगल में क्या आ जाएगा, रो साइन फाई, और इसके बगल में क्या आ जाएगा, जेड। नाउ दिस इज द स्थिति सदिश कहलाता है ये, और आपने रो फाई को इस तरीके से लिखा। अब अपन जो बात कर रहे हैं, जो मेन चीज़ है इसकी फंडामेंटल, उस पर आते हैं। एच वन क्या है, इसका स्केल फैक्टर है। एच आई का सामान्य सूत्र क्या होता है, डेल आर सदिश अपॉन डेल यू आई। तो यहाँ पर वन निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू वन रख दिया आपने, तो यू वन हो गया। यू वन क्या है, रो के बराबर है। इस समीकरण का आप रो के सापेक्ष जवाबगुण करके मेरे को बताएंगे क्या आएगा, रो यहाँ से गायब हो जाएगा, रो यहाँ से गायब हो जाएगा, और इसमें रो आता नहीं, इसका जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो, और ये वन वन यानी कॉस फाई रह गया यहाँ पर, यहाँ साइन फाई। अब इसका क्या मॉडुलस है, ये मॉडुलस माने क्या होता है कि प्रत्येक का वर्क करेंगे, जोड़ेंगे और रूट लेंगे इसको, और पावर हाफ हो गई। तो इसका कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वन, ये अपन पहले से जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये मान किसके बराबर हो गया, वन। अब अपन आते हैं H2 पर आते हैं। H2 बराबर क्या है, डेल आर अपॉन डेल यू टू, एंड टू का यू टू इज इक्वल टू क्या है, फाई। अब इसी समीकरण का जो ऊपर वाला जो अपना समीकरण है, यानी ये जो समीकरण है इसका फाई के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, आंशिक समाकलन। फाई का कॉस फाई का कितना हो जाएगा, साइन, ये माइनस साइन फाई हो गया। ये क्या है, साइन फाई का कितना हो जाएगा, कॉस फाई, ये कॉस फाई हो गया। इसका कितना, जेड का कितना हो जाएगा, जीरो। सो यू आर गेटिंग वॉट, अब ये मान आ गया। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, माइनस इसको वर्क करेंगे प्लस हो जाएगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी इसका मॉडुलस ये आ गया, माइनस का क्या हो गया, ये प्लस। रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, रो बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई का मान कितना हो जाएगा, वन। यानी मीन्स वॉट, एस टू यू आर गेटिंग रो,
H1 यू गॉट इट 1, नाउ वी मूव टू H3, H3 पर निकालोगे आप तो H3 इज इक्वल टू वॉट, H3 इज इक्वल डेल आर अपॉन डेल U3 हो जाएगा, U3 इज वॉट, डेल U3 का मान किसके बराबर है, Z के। नाउ अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, समीकरण जो एक है यानी जो R वाला ये जो इक्वेशन है इसको आप क्या करने जा रहे हैं, इसको जेड के सापेक्ष क्या करने जा रहे हैं, आंशिक समाकलन। तो आपको जैसे बहुत साफ साफ पता है जेड का कितना हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा 0 0, क्योंकि इसमें जेड आता ही नहीं इन दोनों में, तो क्या आ गया ये 0, आई कैप 0, जे कैप 0, के कैप 1, इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर 1 पावर हाफ, H3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। सो H1 H2 H3 इज वॉट 1 रो 1, ये याद रखेंगे आप 1 रो 1। A1 A2 A3 इज वॉट ए रो ए फाई ए जेड, E1 कैप E2 E3 कैप इज वॉट ई रो कैप E5 कैप ई जेड कैप, U1 U2 U3 इज वॉट रो फाई और जेड, ई कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। अब इनको जानने के बाद यानी आपको यहाँ तक आपको ये एक झटके में पता होना चाहिए, एक सांस में ये सारे मान आपको कंठस्थ रहने चाहिए, ये मान ये होते हैं। अब जो बात आती है अपनी मेन वो क्या आती है, ग्रेड 5 को अपन चेंज कर रहे हैं। ग्रेड 5 बराबर क्या होता है, वक्रकार कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डेल फाई का मान क्या होता है, ई रो अपॉन H1 E5, ये सारी चीज़ आपको पता है। तो ई इसका मान कितना हो जाएगा, E1 कैप ई रो, H1 कितना है 1, U1 कितना है रो, ये H2 का मान कितना हो जाएगा रो, इस H3 का मान कितना हो जाएगा 1, E3 कैप क्या है ई जेड कैप, E5 क्या है E2 क्या है E5 कैप, E1 कैप क्या है ईरो कैप, यानी ईरो कैप E5 कैप EZ कैप 1 रो 1, U1 U2 U3 क्या हो गए रो फाई और जेड, यानी यू हैव कन्वर्टेड दिस फॉर्मूला इन टू द सिलिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ वी मूव टू द डाइवर्जेंस ए, किसी सदिश का डाइवर्जेंस एक और फॉर्मूले को चेंज कैसे करेंगे, वी नो दैट डाइवर्जेंस इज गिवन एज H1 H2 H3 बाहर होता है, A1 होगा तो H2, सारी बातें मैं आपको पहले इस फॉर्मूला आपने ड्राइव कर लिया पीछे की वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो कृपया करके पहले पीछे की वीडियो को देखें तब आप आगे बढ़ सकते हैं। H1 H2 H3 के मान क्या, 1 रो 1 रख दिया, A1 A2 A3 क्या हो गए ए रो ए फाई ए जेड, U1 U2 U3 क्या हो गए रो फाई और जेड, क्लियर। यानी सिंपली आपने क्या किया, U1 U2 U3 के मान रख दिए, A1 A2 A3 के मान रख दिए, आपने H2 H3 के मान रख दिए एंड ये आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डेल डॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, या आप 1/2 अगर आप चाहें, अगर इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं तो 1/2 रो का अंदर गुणा कर दें तो एक इसमें गुणा हो गया, ये इसमें गुणा हो जाएगा और ये रो बाहर आ जाएगा। क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि जेड के सापेक्ष जो रो का एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, रो बाहर रो से रो क्या हो कट गया। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल डॉट ए। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कर्ल ए, अब अपन क्या याद करने जा रहे हैं, कर्ल ए का मान, कर्ल ए इज इक्वल टू वॉट यू नो दैट H1 E1 कैप H2 E2 E2 कैप H3 E3 कैप। नाउ दिस इज वॉट डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 एंड दिस इज वॉट H1 A1 H2 A2 और H3 A3। सो दिस इज द फॉर्मूला वी ड्राइव्ड ऑन द लास्ट वीडियो। अब इसका मान रख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा बाहर H1 H2 और H3, यू पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, यू आर गेटिंग दिस इज 1/rho, H1 इट इज ई रो, दिस इज रो ई फाई कैप एंड H3 इज 1 E3 EZ कैप, दिस इज व्हाट डेल अपॉन डेल रो डेल अपॉन डेल फाई डेल अपॉन डेल जेड एंड दिस इज वॉट H1 इज 1 A1 इज ए रो H2 इज रो A2 इज वॉट ए फाई H3 इज 1 A3 इज वॉट A3 इज ए जेड। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कर्ल ए। एग्जाम में क्या आता है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इन तीनों में से एक ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल में से तीनों या तीनों में से कोई सा भी किसी एक को आपको चेंज करने के लिए आता है। आपको चेंज किस में करना होता है, ये आपको जो चेंज करना है ये वो आपसे ये पूछा जाता है कि आप इनको तीनों में से किसी को सिलिंड्रिकल में चेंज कीजिए। तो सभी बच्चों आप इनको गंभीरता से टेबल पर रखकर पढ़िए और नोट्स बनाइए और इतना इसको ईजी मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।